हाय लेडीज़, वेलकम बैक टू जी एच के राइट डाइट और मैं हूँ डॉक्टर तेजी, डॉक्टर तेजी सरना, आपकी फूड डॉक्टर। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके बारे में। सितंबर इज द मंथ ऑफ ओवेरियन कैंसर ऑल्सो, और ये एक कैंसर है जो ओवरीज में बनता है जब ओवरीज एग प्रोड्यूस करती हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ कैंसर दैट अ लेडी कैन बी अफेक्टेड विथ। अर्ली स्टेजेस ऑफ ओवेरियन कैंसर इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अनटिल अनलेस वो बाकी सारी एरियाज में स्प्रेड हो जाता है, पेल्विस में आ जाता है, एब्डोमेन में आ जाता है। और अर्ली स्टेजेस जो हैं वो बहुत मुश्किल है डायग्नोज करने के लिए, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही सटल होते हैं, लाइक एनी अदर स्टमक इशूज। कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं परसिस्टेंट ब्लोटिंग, पेल्विक और एब्डोमेन एरिया में पेन जो बहुत यूजली होता है वुमेन को, बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि पेट भर गया है या खाने में बहुत दिक्कत होती है, यूरिनेशन रिलेटेड इश्यूज, फेटीग, बैक एक, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। अब ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये कैंसर हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये होता है लेडीज को अराउंड द एज ऑफ 50, बट आजकल यंगर जनरेशन में भी आना शुरू हो गया है, उन लेडीज को जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर की, उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। ब्राका 1 एंड ब्राका 2 जीन म्यूटेशन में ये बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाता है ओवेरियन कैंसर के लिए। और वो सारी लेडीज जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज पे जाती हैं, एंडोमेट्राइटिस हो जाता है, वो बहुत, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, दे आर एट रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। ध्यान रखिए, इसी बारे में मैं और बात करने वाली हूँ अपनी आने वाली वीडियो में।